शराब के साथ पुलिस लिखी बाइक से नशे के हाल में एक व्यक्ति गिरफ्तार। फर्जी पुलिस बन वाहन चेकिंग के दौरान मारपीट करने की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार के दरभंगा में पुलिस लिखी बाइक से न सिर्फ शराब बरामद हुआ बल्कि बाइक सवार को भी नशे के हाल में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मजे की बात है कि शराबी न सिर्फ थाने पर खुद को शराब पीने की बात मीडिया के कैमरे पर कबूल की बल्कि बड़ी ठसक के साथ बाइक में शराब होने की बात भी कबूल कर सभी को हैरान कर दिया। बात इतने पर ही नहीं रुकी बल्कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को थाने पर ही कार्ड डालने की बात कह अपने संबंधित पुलिस वाले का पूरा रौब भी दिखाया। दरअसल दरभंगा के सरमोहनपुर में जब शंभु कुमार अपने बच्चे को स्कूल से लेकर घर लौट रहा था तभी पुलिस लिखी बाइक सवार व्यक्ति संतोष यादव ने शंभु कुमार को ट्रिपल लोड का हवाला देकर पहले उनकी स्कूटी रुकवाई फिर लाइसेंस दिखाने को कहा। शंभु कुमार बाइक सवार को पुलिस वाला समझ अपना लाइसेंस भी दिखाया लेकिन बाइक सवार उसे ट्रिपल लोड का हवाला देकर सनकी थाना चलने और फाइन जमा करने की बात कही। स्कूटी सवार ने इसका विरोध करते हुए घटना इलाका सदर थाना होने की बात कह सदर थाना चलने को तैयार हुआ लेकिन बाइक सवार उसे सनकी थाना इलाके जाने की जिद करने लगा। जैसे ही वाद विवाद बढ़ा तो पुलिस लिखा बाइक सवार स्कूटी सवार के साथ मारपीट करने लगा। गाली भी नहीं कोई बात भी नहीं थप्पड़ भी नहीं सर। नहीं हाँ वो ट्रिपल लोडिंग था। आपने उसको क्या कहा? कुछ भी नहीं। डिक्की में क्या है? वहाँ से वहाँ तक कैमरा चेक करिए वो बेचारे के अगर हाथ में टर्च किया होगा मेरे नाम से कोई कंप्लेन होगा कोई भी थाना में मेरा सर आपका जूता रहेगा। गाड़ी के डिक्की में क्या है? दारू होगा। दारू है जी? दिखाइए दारू कहाँ से ले जा रहे हैं? हम वही गांव घर में बनता है ना वही जैसी दारू है। आप ये बताइए नशा रखा है क्या? हाँ जी। आप नशा किए? हाँ किए। नशा की स्थिति में आप नकली पुलिस बन करके? नहीं नहीं हाँ नकली पुलिस करके मैं किसी को टच नहीं किया। वो बेचारे जहाँ से बोला होगा उन्हीं से पूछिए वहाँ से और यहाँ तक कि कैमरा चेक करिए जो वो बेचारे को टर्च किया होगा। थाना पे आया हमें सर। मैं अपने बच्चे को डीएवी स्कूल से लेने के लिए मैं गया था। छुट्टी हुआ था तो मैं लेकर आ रहा था डीएवी स्कूल से तो अपना जो सारा इसमें क्या नाम है कठलवाड़ी जो रास्ते से उस रास्ते से हम घर आते हैं सदर थाना के पास में हमारा घर है। ये आदमी जो है मुझे गंगवारा पावर ग्रिड के पास जो मोड़ जहाँ दो रास्ता बनता है वहाँ पे बंदा मिला हमको। ये हमको आगे से रोक दिया बोला कि आप जो है आपको आवाज़ दे रहे हैं आप रुकिए आप गलत ट्रिपल लोड ले जा रहे हैं तीन आदमी से बैठ के जा रहे हैं आप लाइसेंस दिखाइए। फिर मैंने कहा मैं देखा पुलिस का लोगों लगा हुआ था उसमें तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं दिखाया लाइसेंस में देखिए गाड़ी पे बाइक में लगा हुआ नहीं वो तो फिर मैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। फिर ये बोले कि नहीं मैं सोनकी आप चलिए सोनकी आपका जो है फाइन होगा। मैंने कहा सोनकी किस लिए? आप हमारे नज़दीक है थाना आप थाना हमारे नज़दीक है आप चलिए थोड़ा सा आगे है वहाँ पे। फिर ये जो है आगे हम लेते आए इनको थोड़ा सा पढ़े भागने लगे फिर इसको जो है और आदमी के क्योंकि स्कूटी में तेज चला नहीं सकता था और आदमी की मदद से इनको जो है कटरवाड़ी पुल के नीचे जो है इनको रोका। फिर चाबी मैं ले लिया इनको संदेह हो गया कि लीकर भी ड्रिंक भी कर रखे हैं तो ये चाबी जो है ले लिया तो ये जो है मेरे साथ हाथापाई करने लगे दो तीन थप्पड़ इस पे मारे भी हमको। संजय यादव नाम के एक युवक है जो ड्राइवर का काम करता है और एक बाइक से आ रहा था जो नशे की हालत में था उसे लोग पकड़ के दिए हैं। उन लोगों का पब्लिक का आरोप है कि जो हमारे गाड़ी को रोक करके लिए हमसे लाइसेंस मांग रहा है उसको जो है कि दारू पी कर करके सड़क पर जो है किसी दूसरे गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस मांगा इस संबंध में जो है कि अंतर कार्रवाई करते हुए जेल ले जा रहा है। सर गाड़ी पे पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ उनसे वो जाँच करते हैं तो पता चला है अभी तक तो कि कोई ड्राइवर है जो किसी पुलिस कर्मी का है रिटायर आदमी का। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।